लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम बेहद चौंकाने वाले साबित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जिस अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के जरिए बीजेपी ने पूरे देश में चुनावी माहौल को हवा दी थी, उसी अयोध्या में बीजेपी अपनी प्रतिष्ठा गंवाती हुई नजर आई। इसके पीछे क्या कारण थे? क्या ये राम मंदिर की हार है या फिर इसके पीछे इसके लिए बीजेपी और लल्लू सिंह जिम्मेदार हैं? आइए इस वीडियो के माध्यम से प्रकाश डालते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के रुझानों में अयोध्या से बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह कई राउंड की गिनती के बाद भी 20,000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे थे। यहां सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद लगातार बढ़त बनाए हुए थे। एक लिहाज से देखा जाए तो ये मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये बढ़त लगातार बरकरार थी उसे देख कर तो यही कहा जा रहा था कि यहाँ लल्लू सिंह की हार लगभग तय हो चुकी है। ताजा आंकड़ों की बात करें तो फैजाबाद लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के अवधेश प्रसाद 24,853 वोटों से आगे चल रहे थे। सपा प्रत्याशी को अब तक कुल 3,82,267 मत ही हासिल हुए, जबकि लल्लू सिंह को 3,57,414 वोट मिल सके। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के जरिए देश में चुनावी माहौल बनाया गया था। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की भव्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, जिससे देश विदेश के हजारों नामचीन हस्तियों ने शिरकत की थी। बीजेपी ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को भव्यता देते हुए एक तरह से चुनाव का आगाज किया था। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी ने 30 दिसंबर को यहां एक भव्य रोड शो भी किया था। इसके अलावा बीती 5 मई को भी वोटिंग से पहले पीएम मोदी ने सीएम योगी के साथ यहां एक और मेगा रोड शो के जरिए वोटर्स को लुभाने का काम किया। अब सवाल ये उठता है कि इतना सब होने और करने के बावजूद भी फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह क्यों हारते हुए दिखाई दिए? इसी प्रश्न के जवाब में सियासी पंडितों का मानना है कि यहाँ अगर लल्लू सिंह को हार का सामना करना पड़ता है तो इससे सबसे ज्यादा जिम्मेदार वे खुद होंगे। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक लल्लू सिंह के संविधान बदलने वाले बयान ने उन्हें नुकसान पहुंचाया है। हार का दूसरा कारण ये है कि स्थानीय लोगों के मुताबिक लल्लू सिंह शहर को छोड़ दें तो क्षेत्र में बहुत कम दिखाई दिए। अब चुनाव में उन्हें इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ा। इस चुनाव में बीजेपी ने तीसरी बार लल्लू सिंह पर भरोसा जताया था, जबकि दूसरी तरफ सपा ने 9 बार के विधायक और दलित चेहरे अवधेश प्रसाद पर दाव लगाया था। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में 5 लाख से भी ज्यादा दलित वोटर हैं, जिसे सपा दलित चेहरे के जरिए काफी हद तक अपने पक्ष में करने में कामयाब में रही। यही वजह है कि यहाँ अवधेश प्रसाद लगातार बढ़त बनाए हुए नजर आए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।